साफ बाहर एकदम निकला हुआ है साफ, आप देख सकते हो गाइस। गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज आज मैं जा रहा हूँ 3D आर्ट गैलरी जो कि रिठाला में पड़ता है, उसका नीरज मेट्रो स्टेशन रिठाला है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। सो गाइज वहाँ पे 3D पेंटिंग दिखाई गई है, ऐसा लगता है कि पेंटिंग बाहर आ रही है 3D एकदम अच्छे से, 3D बहुत बढ़िया 3D पेंटिंग वहाँ पे दिखाई गई है। सो गाइज वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी ऑन कर देना ताकि नेक्स्ट ब्लॉग आप सबसे पहले पहुँचे। तो फिर चलते हैं मेट्रो स्टेशन। गाइज मैं एडवेंचर आइलैंड मेट्रो वॉक पे पहुंच चुका हूं, उसका नीरस मेट्रो स्टेशन है रिठाला मैं पहुंच चुका हूं। लास्ट टाइम मैं 2 साल पहले आया था, 2018 में अपने स्कूल पिकनिक के साथ आया था लास्ट टाइम, लेकिन मैं इस बार अब आ रहा हूं। लेकिन कुछ नहीं बदला, लेकिन फिर भी यहां पे बहुत बढ़िया लग रहा है पहले से भी ज़्यादा। मैं यहाँ पर 2 बार आ चुका हूँ, और दूसरी बात यह कि नवरात्र भी स्टार्ट हो गई, आप सभी को हैप्पी नवरात्र, और नवरात्र का सीज़न भी चल रहा है। सो गाइज आप सामने देख सकते हो अपने इंडियन फ्लैग है, कितना अच्छा लग रहा है, आसमान में लहरा रहा है, और वहाँ सामने लिखा है एडवेंचर आइलैंड। एडवेंचर आइलैंड के पास में ये है। अभी मैं फिलहाल 3D आर्ट म्यूज़ियम जा रहा हूँ, लिखा भी है वहाँ एडवेंचर आइलैंड, और ये अपना फ्लैग 2 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ पे। सुबह से अंदर जाने वाला हूँ, ये रहा गेट, इससे एंट्री करूँगा। सो गाइज मैं आ चुका हूँ अब एडवेंचर आइलैंड के अंदर में, अब मैं यहाँ पे आर्ट म्यूज़ियम जाने वाला हूँ। म्यूज़िक भी बज रहा है पास में बढ़िया सा, बहुत मज़ा आ रहा है, आप भी ज़रूर आना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हो रहा 3D क्लिक आर्ट म्यूज़ियम, इसकी प्राइस है 50 रुपीज़। ना वक्त जाया करे, क्लिक आर्ट म्यूजियम में चलता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो ऐसे बाहर निकली हुई है, और ये सांप है गाइस आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि सांप बाहर एकदम निकला हुआ है सांप, आप देख सकते हो गाइस। सो गाइस ये पजल है। सो गाइस आप देख सकते हो कि हीरा नीचे गिर रहा है, ये भी असली लग रहा है पूरा, एकदम ऐसा लग रहा है कि बाहर ही निकला जा रहा है, एकदम 3D आर्ट बना रखा है एकदम पूरा। बस मैं अगर एक कोई और साथ बंदा रहा तो फ़ोटो खिंचा लेता, यहाँ पे इतनी सारी फ़ोटोज़ हैं।
3D पेंटिंग, ये देख सकते हो हाथी वॉल पे चढ़ रहा है। तो गाइस ये है ब्रूस ली, ये ब्रूस ली है, इसकी लात भी बाहर आ रही है, आप देख सकते हो गाइस। तो गाइस ये है सेंटा, सेंटा जी गिफ्ट दे रहे हैं, सेंटा क्रिसमस आया नहीं है, आने ही वाला है 2 महीने बाद। और ये घोड़े के बाल बाहर निकल रहे हैं, फोटो से बाहर आ गया, इसकी टांगे भी बाहर आ गई। ये चार्ली, ये चार्ली भाई है अपने, इनका डंडा भी बाहर को आ गया, और ये पंख, और ये मगरमच्छ बाहर को आ रहा है, इसका मुंह बाहर को आ रहा है मगरमच्छ। ये अपना हैरी पॉटर, और ये पानी का गिर रहा है पानी, पानी तो बाहर ही गिर रहा है। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी 3D आर्ट बनाई गई है, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती बनाना 3D आर्ट, हर किसी के बस की बात नहीं होती, ये बहुत ही बड़ा कलाकार बना सकता है। नॉर्मल आर्ट तो बंदा बनाता है, लेकिन 3D आर्ट बहुत बड़ा कलाकार ही बना सकता है। गाइस ये देखो ये चिड़िया, ये काफ़ी अच्छी अच्छी 3D पेंटिंग बना रखी है, और यहाँ पे बंदों ने फोटोशूट भी करा रखा है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया बना रखी है। वहाँ पे है कोबरा सांप, और ये छाता, ऐसा लग रहा है कि बाहर निकल के खा ही जाएगा कोबरा। और ये है पानी, ये है पजल। सो गाइस क्लिक 3D आर्ट क्लिक म्यूजियम में तो बहुत मज़ा आया, अगर मेरे साथ कोई और बंदा रहता तो और भी मज़ा आता, लेकिन कोई नहीं, फिर भी मैंने फ़ोटो खिंचवा ली। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कपड़े भी मिलते हैं, हर तरह के कपड़े ही मिलते हैं यहाँ पे, बाहर स्टॉल भी लगे पड़े हैं। सो गाइस यहाँ पे बोटिंग भी होती है, कब इसके बाद मैं आऊँगा तो बोटिंग भी करूँगा। ये असल में पानी बहुत फीट गहरा है, इसलिए यहाँ पे लाइफ जैकेट पहनाया जाता है जाने से पहले, तो ताकि हम कहीं डूब ना जाए। सो गाइस आप देख सकते हो बोटिंग, यहाँ पे 100 रुपये टिकट है। सो गाइस यहाँ पे कैंडी हाउस भी है, ये बच्चों के झूला झुलाने के लिए भी है। ये 9D वर्चुअल रियलिटी है, 9D वर्चुअल रियलिटी है, यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी दिखाया जाता है बिल्कुल। और यहाँ पे देखो प्राइस लिखा हुआ है, क्या क्या दिखाया जाता है, 150 की पर पर्सन की टिकट है यहाँ पे। और वो एडवेंचर आइलैंड की तरफ है, वहाँ पे झूले मिलते हैं बहुत सारे, अगली बार आऊँगा तो वहाँ पे भी चलेंगे। और वो रहा एरोप्लेन, एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट है वहाँ पे, रनवे वहाँ पे भी जाऊँगा। यहाँ पे देखने के लिए बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं, किसी दिन आएंगे तो सब घूमूंगा मैं यहाँ पे। अभी तो मैं यहाँ पे पहली बार नहीं आ रहा, तीसरी बार आ रहा हूँ, अभी बहुत बार और आऊँगा यहाँ पे, ब्लॉगिंग में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा, हर चीज़ दिखाऊँगा यहाँ पे। तो गाइस आप देख सकते हो ये एरोप्लेन है, रनवे, यहाँ उसके अंदर रेस्टोरेंट है, असली का एरोप्लेन नहीं है, खाली एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट है। सो गाइस मैं 1-2 महीने बाद यहाँ पे फिर से आऊँगा।
फिर से एक्सप्लोर करूँगा, एरोप्लेन वाले रेस्टोरेंट में भी जाऊँगा, अंदर भी जाऊँगा, एडवेंचर आइलैंड के अंदर भी जाऊँगा जहाँ पे झूले वूले राइड राइड सब लगी हुई है, सब जगह जाके यहाँ पे ए टू जेड यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा, हर चीज़ जगह जाऊँगा हर जगह, और बोटिंग भी करूँगा यहाँ पे, 100 रुपये पर पर्सन है यहाँ पे बोटिंग भी करूँगा। आप सब के लिए मैं जाऊँगा, आप सब लोगों के लिए रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ आप सब लोगों के लिए। तो गाइस अगर आप भी दिल्ली में आओ तो यहाँ पे ज़रूर आना, यहाँ पे मत आना भूलना, यहाँ पे तो ज़रूर आना है आपको, अगर आप दिल्ली आओ तो यहाँ पे मत आना भूलना, अगर आप यहाँ नहीं आए तो सपने आपने दिल्ली घूमी ही नहीं कोई, यहाँ पे ज़रूर आना है आपको, अगर दिल्ली आओ तो, दिल्ली में रहते हो तो तब भी आओ। तो गाइस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और बेल आइकन भी ऑन कर दो। सो गाइस इसी के साथ साथ मैं चलता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक भी कर दो, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो फिर बाय, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।